जानती हो तुम इस रिश्ते के इतने खिलाफ क्यों हो? क्या जानती हो? यही कि तुम्हें ये रिश्ता इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अहमद मेरा दूर का रिश्तेदार है, यही बात है ना? अहमद को कितना जानती हो? अच्छा लड़का है वो, मेरा दूर का कजन है, इसलिए तो इस रिश्ते को सपोर्ट कर रही हूँ। और अगर उसमें कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं खुद मना कर देती। और सबसे बड़ी बात, बाबा इस रिश्ते की गारंटी दे रहे हैं। क्या बात है, तुम्हें उसमें कोई बुराई नजर आई है? मुझे क्यों बुराई नजर आएगी उसमें? हम में से तो किसी ने देखा भी नहीं उसको, और अम्मी ने हाँ भी कर दी। देखो अर्शियान, जिंदगी आयजा ने गुजारनी है, हमारे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दफा तुम उसकी जगह खुद को रख के देखो। देखो मैं बेटा हूँ, लड़कियों के मामलात और होते हैं, उन्हें यूं आंखें बंद करके किसी को भी दिया नहीं जाता। किस औहदे के लिए अप्लाई करने जा रही हो? क्लर्क, अपने औकात जानती हूँ। आजकल क्लर्क की नौकरी के लिए भी बीए या एमए चाहिए होता। हाँ जानती हूँ, मगर खुद को नकारा समझने से अच्छा है कि बाहर जाके कुछ कोशिश की जाए। ताना दे रही हो मुझे? आपको मेरी हर बात ताना ही क्यों लगती है? इसलिए कि हर बात पे ताना देती हो तुम। ठीक है, आइंदा खामोश रहूंगी, लेकिन आप मेरी खामोशी में भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। विशाल, कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास? वो चाय की पत्ती मंगवानी थी और बिजली का बिल की आखिरी तारीख है कल, और दूध वाला भी पैसे मांग रहा था। मैं अभी देखती हूँ। मेरे पास बस इतने ही हैं। इतने से पैसों से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, सारा की बात मान लो। नहीं करेंगे तो वही ना जो उनकी मर्जी होगी, और तुम्हें तो घर बैठे पैसे मिलेंगे। मैंने इस घर को अपनी तनख्वाह से चलाना है, ना कि ज़कात खैरात के पैसों से।